नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है, बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है, पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुँच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी पोस्ट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। बीते दिनों संसद भवन में जो हमला हुआ था उस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो भी हुआ इसका परिणाम बस और बेरोजगारी है और महंगाई है। लेकिन इसी पर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, उन्हें खुद शब्दों की पहचान नहीं है, उनको खुद ये समझ नहीं आता कि वो क्या बोल गए और क्या कुछ कहते नजर आए नित्यानंद राय। पहले आप वो सुने। बेरोजगारी का परिणाम है, सरकार ने आज तक बेरोजगारी के लिए कुछ महंगाई की बात कर। राहुल गांधी जी की न कोई समझ है और नो समझना ही चाहते हैं, क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, यह साबित हो चुका है, देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और अभी तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच सबका साथ और सबका सम्मान कि आज तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं अनुसूचित जनजाति समाज वंचित समाज से, आज पिछड़ा वर्ग से और सवर्ण वर्ग से, आज यह भारतीय जनता पार्टी की नीति को दर्शाता है, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान न्याय के साथ, और यह बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके अनुरूप यह हुआ। प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ इसके गहराई में जाने की जरूरत है, काफी चिंताजनक बात बताई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस बात में बहुत दम होता है और वह सच्चाई के साथ होता है। 24 का चुनाव लेकर जो अपोजिशन के लोग हैं बोलते हैं कि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी जीत कराएंगे, जनता गारंटी दे चुकी है, वहीं बिहार में विपक्ष लोग आप कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है और चल पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा सांसद देकर बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर है और विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिनके प्रयास से, भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर जन जन गांव गांव शहर शहर पहुंच रही है, गरीबों के जीवन में उत्थान हुआ है, खुशियां पहुंची। आज हर वर्ग हर समाज और देश के कोने कोने गांव गांव शहर शहर के लोग तक जो विकास पहुंच रहा है और जो विश्वास लोगों के मन में आया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है, देश का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ वह प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेंगे। 19 को बैठक इंडी गठबंधन, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता माने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और मंच पे कुछ नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी
बेमन से बेमेल की यह जोड़ी है, सब जानते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। इस देश की जनता जानती है कि निस्वार्थ भाव से और देश के हित में, देशवासियों के हित में और कोई काम करने वाले हमारे नेता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार बिहार में जेडीयू के जो प्रिंसिपल है, क्या वो चकनाचूर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है? नीतीश कुमार के ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, अब क्या होगा चकनाचूर? बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीते। सर, डीएमसीएच के प्रिंसिपल दारू पार्टी करते देखे गए हैं, जब एम्स बनने की बारी आई तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि एम्स यहां बनेगा तो स्वायत्तता भंग हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है, बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुँचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है, पहले से ज़्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुंच रहा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं उन्हें खुद समझ नहीं आता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डीएमसीएच के प्रिंसिपल के द्वारा वहां पर शराब को लेकर जो भी सामने आई है विजुअल, उसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन आए दिन शराब को लेकर केस नजर आती है, यहां पर प्रिंसिपल द्वारा ये सारा चीज किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के जो जीत है 3 राज्यों में जो हासिल हुआ है, अब बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने आपने सुना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।